वेल भाई लोग, मार्वल से रिलेटेड कुछ ऐसे भयंकर से लीक्स अपडेट निकल के सामने आए हैं जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर मार्वल अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को कैसे सेटअप करने वाला है। और आरडीजे का आयरन मैन, क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका, स्कारलेट जॉनसन की ब्लैक विडो, इनका मार्वल में रिटर्न कैसे होगा, स्पाइडरमैन लीडिंग अवेंजर्स इन नेक्स्ट 2 अवेंजर्स मूवीज, इन सबको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एक सस्ता सा इंट्रो लगाकर बिना वॉच टाइम बढ़ाए। तो चलो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल में आरडीजे के आयरन मैन के रिटर्न के बारे में, जो कि अभी के टाइम पर मार्वल यूनिवर्स का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। क्योंकि यार, अगर तुम मार्वल को स्टार्ट से फॉलो करते आ रहे होगे तो तुम्हें पता होगा कि अभी के टाइम पर आयरन मैन का फैन बेस कितना ज्यादा बड़ा है, जो कि आरडीजे के आयरन मैन को दोबारा से मार्वल यूनिवर्स में देखना चाहते हैं। और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि मार्वल में हमें दोबारा से आरडीजे एज अ आयरन मैन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जाकर मार्वल के अंदर से ऐसी अपडेट निकल के सामने आई है, केविन फाइगी आरडीजे से बात कर रहे हैं उनके मार्वल में रिटर्न के बारे में। लेकिन कुछ टाइम पहले वैरायटी को दिए गए इंटरव्यू में केविन फाइगी ने बताया था कि आरडीजे का आयरन मैन का डेथ अवेंजर्स एंडगेम में हो चुका है और अब आरडीजे का आयरन मैन वापस नहीं आने वाला, और इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि इस बात में थी कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखो, केविन फाइगी का ऐसा कहने का भी कोई रीजन जरूर होगा, क्योंकि केविन फाइगी को पता है कि वो फ्यूचर में आखिर क्या करने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है तो इसका रीजन हो सकता है कि अवेंजर्स एंड गेम का आयरन मैन रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन हमें किसी डिफरेंट यूनिवर्स का आरडीजे का आयरन मैन मार्वल में देखने को मिलेगा। क्योंकि यार, अभी तक दिखाए गए हमारे आयरन मैन की स्टोरी कम्प्लीट हो चुकी है और कोई भी नहीं चाहता कि अवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग चेंज हो या फिर इससे कोई छेड़छाड़ किया जाए, क्योंकि यार आयरन मैन को परफेक्ट एंडिंग मिल चुकी है। लेकिन अगर बात करें कि आयरन मैन मार्वल यूनिवर्स में वापस कैसे आएगा, तो देखो आयरन मैन को वापस लाने के मार्वल के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से पहला आयरन मैन है 838 यूनिवर्स का आयरन मैन, जो यूनिवर्स अगर तुम्हें याद हो तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया था, जहां हमें इल्यूमिनाटी की टीम देखने को मिली थी, जहां पर हमें आयरन मैन का बस रेफरेंस देखने को मिला था, जो कि था उस यूनिवर्स में दिखाए गए उसके अल्ट्रॉन बोट्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन बोट्स को किसी और ने बनाया हो, लेकिन उस टाइम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल के सामने आ रहे थे कि उस मूवी में हमें सुपीरियर आयरन मैन दिखने वाला था। तो हो सकता है मार्वल हमें इसी आयरन मैन को फ्यूचर में दिखाए, लेकिन अगर मार्वल अपने 616 यूनिवर्स के ही आयरन मैन को वापस लाना चाहे तो मार्वल ऐसा भी कर सकता है, लेकिन वो आयरन मैन होगा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंडगेम के पहले का आयरन मैन, जैसा कि 2012 का लोकी हमें अभी भी मार्वल यूनिवर्स में देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही पूरे मल्टीवर्स के आयरन मैन तो एग्जिस्ट करते ही हैं, तो मार्वल किसी भी यूनिवर्स के आयरन मैन को वापस ला सकता है। और ऐसे ही मार्वल कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को वापस ला सकता है किसी भी डिफरेंट से, जिससे कि मार्वल एक बार फिर से हमें ओजी अवेंजर्स को एक साथ दिखा सके। लेकिन अगर अब बात करें स्पाइडरमैन की, तो अभी के टाइम पर स्पाइडरमैन मार्वल का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि आगे जाकर अवेंजर्स को लीड करने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली वो मूवी होने वाली है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, क्योंकि पहले भी हमें इससे रिलेटेड मार्वल में कई सारी अपडेट सुनने को मिली थी। और स्पाइडरमैन की लीडर स्किल हमें इसकी आने वाली नेक्स्ट मूवीज में देखने को मिलेगी, और न्यू अवेंजर्स मूवी को भी स्पाइडरमैन ही लीड करते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर तुम देखो तो स्पाइडरमैन ही ओजी अवेंजर्स के साथ काम कर चुका है। लेकिन अगर अब बात करें कि मार्वल अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को कैसे सेटअप करने वाला है, मार्वल अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को तो अभी से ही सेटअप कर रहा है कैंग को सेटअप करके। लेकिन अगर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की बात करें, तो इससे रिलेटेड ऐसे अपडेट निकल के सामने आए हैं कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में कैंग को तो रोक लेंगे, लेकिन इनकर्जन को नहीं रोक पाएंगे, जिसके बाद डॉक्टर डूम अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज को बचाकर अपने बैटल अर्थ पर ले आएगा, जिसके बाद हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन चलो भाई लोग, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर में गॉडजिला हमें पिंक क्यों दिखाई दे रहा था, तो तुम मेरी इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। और यार, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।